हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और 10-11 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया था, बचे प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आप लोगों के प्रश्न नंबर जो भी होगा, जो क्रम में लगा होगा, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है एनसीईआरटी फोल्डर में से, एनसीईआरटी क्वेश्चन में से 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है दो अचालकी आवेशित कॉपर धातु की गोले हैं, ए और बी हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दो अचालकी आवेशित कॉपर धातु की गोले हैं तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, भी 50 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिएगा दो ठो कोई गोला हो गया, कोई गोला क्या हो गया, ए हो गया, इस प्रकार कोई गोला ए हो गया और एक गोला ये हो गया, ये कोई गोला क्या हो गया, बी हो गया, ठीक, ये कोई गोला बी हो गया, जिनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी जो है आर इक्वल टू कितना है, 50 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पर आवेश 6.5×10⁻⁷ गुलाम है, यानी जो इस पे आवेश है QA है, इस पे आवेश QB है, QA A बराबर कितना है, 6.5×10⁻⁷ गुलाम, और इस पर भी 6.5×10⁻⁷ गुलाम है। अब क्या बोला है, तो दोनों गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि क्या दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल क्यों कहा, क्योंकि देखिए दोनों समान आवेश हैं और दोनों ही धनात्मक आवेश हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो कूलाम के नियम से, किन के नियम से भैया, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 के स्थान पे क्या है, QA है, Q2 के स्थान पे QB है, बटे क्या हो जाएगा, R2। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मान कितना होता है भैया, पूरे का मान होता है 9×10⁻⁹ QA, QA का मान कितना होता है, 6.5×10⁻⁷ कूलाम, QB का मान कितना होता है, 6.5×10⁻⁷ कूलाम बटे आर, तो बटे आर स्क्वायर है, तो आर का मान 50 है भैया, तो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल ले देंगे, तो 10⁻²⁺ से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ध्यान से समझिएगा, तो 9 × हल करते हैं, 6.5× कितना है, 6.5, एक तरफ, फिर कितना है भैया, 10⁻⁹ है, फिर कितना है, 10⁻⁷ और -7 कितने हो गए, 14। अब इनको प्रसार कर देते, 50 का गुणा भैया आपको दो बार करना है, 50×50, क्योंकि 50 का होल स्क्वायर, 2×2 = 4, 10⁻⁴, ये 4 इनको काट देंगे, तो यहाँ 10⁻⁰ बचेगा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, 9×6.5×6.5 बटे कितना है, 50×50, ठीक। ध्यान से समझिए, अब क्या है भैया, ऊपर कितना बचा है, 10⁻⁹ बचा है, और यहाँ 4 कम हो गए, 10⁻⁰ बचा है। देखिए ये पॉइंट काटोगे, ये वाले पॉइंट काटोगे तो 10 का मल्टीप्लाई, और ये वाले पॉइंट काटोगे 10 का मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों 10 इन दो 10 को काट देंगे तो यहाँ 7 बचेंगे, और देखिएगा फिर उसके बाद ये देखिएगा आप लोग, ये अब क्या बचा आपके पास, 9×65×65 पूरे के बटे क्या है, 50×50, और यहाँ कितने बच गए, 10⁻⁷ कितना बचा है भैया, 7 और × 10⁻⁰⁰। तो देखिए 5 × 50 और 13×65, फिर 5 × 50 13×65, और ये दोनों 10 काट दिए, ये 2 और कम हो गए, तो क्या बचे, 9×13×13 और 10⁻⁷ कितना बचा, 2 कट गए, 5 बच गए, 10⁻⁰⁰। 10 में से 5 घटा दीजिएगा और 13×9=117×13, और वहाँ घटा देंगे 10 में से 5 घटा देंगे, -5। तो भैया आप लोग 117×13 करेंगे, तो 117×13 का हल करने के बाद आएगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1521, कितना आ जाएगा, 1521,
गुणे 10^-5। ये वाले पॉइंट जो यहाँ पर हैं, इस पॉइंट को हम लोग 1, 2, 3 अंक ला देंगे इधर, तो 1.521 गुणे 3 अंक आए हैं ना, 1, 2, 3, तो ये 3 ठुका हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो 10^-2 न्यूटन का बल लगेगा, ये F का मान आ गया। अब क्या कह रहा है, इसी में दूसरा पार्ट आपसे पूछा है, क्या पूछा है दूसरा पार्ट भी इस सवाल में पूछ रहे हैं, यदि बीच की दूरी जो है दुगनी कर दी जाए और आवेश के मान भी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दिए जाए। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, यदि आवेश क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए, अर्थात जो ये QA है वो भी दुगना हो जाए, QB भी क्या हो जाए, दुगना हो जाए, तो अर्थात हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यदि QA बराबर क्या हो जाए, 2QA हो जाए, और QB बराबर क्या हो जाए, 2QB हो जाए, और जो बीच की दूरी है वो R/2 हो जाए, यानी आधी हो जाए। यदि भैया QA 2QA हो जाए, QB 2QB, R/2 हो जाए, तो नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, तब उन गोलों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि ये तब लगने वाला बल क्या होगा, F' बराबर के QA इंटू कितना हो जाएगा, QB अपान कितना, R2। K का मान होता है 9×10^9। QA के स्थान पे कितना है, 2QA, और QB के स्थान पे कितना है, 2QB बटे क्या हो जाएगा, R2। R के स्थान पे क्या है, R/2 का स्क्वायर। चलिए 9×10^9 हो गए, 2×2 कितना हो गया भैया, 4। 4 इंटू QA इंटू कितना हो जाएगा, QB बटे R2 बटे कितना हो जाएगा, 4। R2/4, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 9×4×4, साथ में कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा, साथ में कितने आ गए, या तो आप एक मिनट के लिए जरा सा इनको ध्यान से समझिएगा कि ये किसके बराबर हैं। इसको और सरल तरीके से आप लगा सकते हो, आपको हल वल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। क्या कीजिएगा, ये K का मान यहाँ रख दीजिए, K का मान रखेंगे 1/4π εo QA इंटू QB अपान R2। इसको रखे रहिएगा, उस 1/4π εo QA के स्थान पे क्या है, 2QA है, और QB के स्थान पे भी 2QB है, बटे क्या हो जाएगा, R के स्थान पे R/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिएगा 1/4π εo 2×4 QA QB बटे R का स्क्वायर बटे 2×4, ये 4 ऊपर पहुंचा देंगे तो 16 QA, ध्यान समझिए, 4×16, ये 16 आ गए, फिर इंटू 1/4π εo QA QB बटे कितना हो गया, R2। अब बताओ ये पूरा किसको दिखा रहे हैं, ये पूरा आपको F का मान है, ये किसका मान है भैया, F का मान है, ये किसको दिखा रहे हैं, F के, तो क्या हो गए, F' बराबर 16×F, और F का मान आपने रखा है, F का मान कितना है, 1.521×10^-2 न्यूटन। तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, यदि गोले के जो आवेश हैं वो दुगने कर दिए जाएंगे और बीच की जो दूरी है वो आधी कर दी जाएगी, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो भी 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपके सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग आपके NCERT क्रम में 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इम्पॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या कर रहे हैं कि माना प्रश्न 12 में गोले A और B समान आकार के हैं, यानी जो आपने 12वें प्रश्न में जैसा गोला लिए थे उसी प्रकार का यहाँ समान गोला A और B है।
तो आइए हम लोगों ने 12 में एक गोला बनाया थे, गोला ए हो गया और ये गोला क्या हो गया, बी हो गए। ये दोनों गोले क्या है, समान है। अगला तीसरा कह रहा तो एक तीसरा समान आकार का गोला आवेशहीन है। एक सी जो है कोई तीसरा गोला है जो कि क्या है, आवेशहीन है, यानी इस पे आवेश की मात्रा नहीं है, इस पे आवेशहीन है। ए और बी पर आवेश क्या है भैया, जो आपने 12 प्रश्न में आवेश रखा था वही, यानी क्यू ए बराबर 6.5 गुणे 10^-7 कूलम। इस पे भी कितना है, क्यू बी बराबर 6.5 गुणे 10^-7 कूलम। ठीक भैया, यही है क्यू ए और क्यू बी पर। और जो क्यू सी है इस पे आवेश क्या है, जीरो है, आवेशहीन है। अब आगे समझिए, इनके जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं आपसे, मैंने सवाल आपको एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, कि ये दो आवेश है क्यू ए और क्यू बी, दोनों एक समान दूरी पर हैं, 50 सेंटीमीटर पर समान आवेश हैं। एक कोई सी गोला है वो आवेशहीन है, वो तीनों रखे गए हैं। अब आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले जो प्रथम गोले जो हैं उनके संपर्क में सी को लाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार इस सी को इसके संपर्क में ला रहे हैं, एक बार इस सी को इसके संपर्क में ला रहे हैं, तब कह रहा है कि तब बताइए, जब सी को ए के संपर्क में लाकर बी के संपर्क में लाकर सी को पुनः उसी स्थान पर रख देते हैं तो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। तो आइए हम लोग एक बात समझते हैं कि जब किसी भी आवेशहीन गोले को आवेश के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों आवेशों पर आवेश जो होते हैं समान रूप से बट जाते हैं। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई पात्र हो गए, इस पात्र में जल यहाँ भरा हुआ था, दूसरा पात्र इसी के समान रख देंगे तो ये खाली है। इन दोनों को जब आप संपर्क में लाओगे इन दोनों के, तब तक जल का प्रवाह होता रहेगा जब तक दोनों के जलों की जो परत है वो आपस में क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसी प्रकार जब किसी आवेशहीन गोले को संपर्क में लाओगे तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, समान रूप से बट जाएंगे। तो पहले शर्त में क्या लिखेंगे, गोले सी को ए के संपर्क में लाने पर, आवेश क्या मान लेंगे, आवेश क्यू ए था, अब बचा क्यू ए डैश, तो क्यू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए, और ये कितना है क्यू सी बटे कितना हो जाएगा 2। क्यू ए का मान कितना है 6.5 गुणे 10^-7, क्यू सी कितना है 0 है, पूरे के बटे 2। अब इनको भाग देंगे तो 3.25 गुणे 10^-7 कूलम आएंगे, 2 3 6 कट गए भैया, 0.5 उतारे, 5 उतारे, 2 2 4, आप हल करोगे तो ये आ गए। तो क्यू ए डैश बराबर 3.25 गुणे 10^-7। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो ए पर बचा आवेश है जब सी को संपर्क में लाए, तथा इतना ही आवेश क्यू सी पर भी आ गया तो QC भी चार्ज हो गया। QC पर आवेश कितने आ गए, 3.25 गुणे 10^-7 कूलम। पुनः अब क्या करते हैं, अब ये आवेश ही नहीं रह गया क्योंकि इतना आवेश इस पर भी आ गया है, तो QC को अब किसके संपर्क में लाते हैं, B को। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोले C को A के संपर्क में लाने पर, तो ध्यान से समझिएगा, अब ए को किसके संपर्क, सी को ए के नहीं, अब कहाँ लाओगे भैया, बी के संपर्क में, दोबारा किसके संपर्क में लाओगे, बी के, तब जो बी पर आवेश होगा वो क्यू बी डैश हो जाएगा, ये क्यू बी जो है क्यू बी डैश हो जाएंगे, बराबर क्या होगा, क्यू बी प्लस क्यू सी बटे 2। अब क्यू बी का मान कितना है भैया, क्यू बी आपके हैं 6.5 गुणे 10^-7, QC कितना है 3.25 गुणे 10^-7, पूरे के बटे कितना हो गया 2। आप इनको हल करोगे तो भैया तो 9.75, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.75 गुणे 10^-7 बटे 2। तो इनको भैया आप लोग भाग करोगे तो भाग देने पर आपके कितने आ जाएंगे, तो भैया ज़रा से इनको आप लोग भाग दीजिएगा,
तो भाग देने के बाद आएंगे 4.875, 4.875 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलम्ब, ये आ गए क्यूबी डैश का मान। अब ध्यान से समझिएगा, इतना ही अब किस पे हो जाएंगे, क्यूसी पर हो जाएंगे। अब ये क्या बता रहे हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कह रहे हैं अब बताइए जो सी है, अब आप पुनः उनको उसी स्थान पे रख दीजिए, तब जो नया आवेश मिला है इन दोनों के बीच लगने वाले बल, यानी ए पर जो नया आवेश है और जो बी पर नया आवेश है उनके बीच लगने वाला बल। तो अब क्या निकाल लेंगे, अब लिखेंगे भैया अतः क्यू ए डैश तथा क्यू बी डैश के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4πε0 क्यू ए डैश इंटू कितना हो जाएगा, क्यू बी डैश बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इनका मान होता है 9×10⁻⁹। क्यू ए डैश का मान कितना है भैया, आपने निकाला है 3.25×10⁻⁷। क्यू बी डैश का मान कितना है, 4.875×10⁻⁷ बटे कितना है, आर स्क्वायर। आर कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10⁻²² का मल्टीप्लाई अब क्या आता है, 9×3.25×4.875 गुणा वाले पोर्शन को एक तरफ कर लिए इंटू 10⁻, कितना है 9, 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और अब हर को हल कीजिए, 50 का गुणा 2 बार 50×50 और 2×2=4, 10⁻⁴, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 4 ठो कट गए पूरे, तो क्या आ गए देखिएगा भैया, 9 या देखिए 2 0 1 0 2 0 इनको आप काट दीजिए तो यहाँ 2 ठो कट जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, ठीक भैया। तो क्या आ जाएगा, 9×3.25×4.875 पूरे के बटे 5 बचे 25 और यहाँ कितना बचा है भैया, 10⁻², 2 ठो कट गए हैं, ये 2 0 इनको काट दिए तो 7 बचे हैं और यहाँ कितना बचा है, 10 बचा है, 10 में से 7 आप घटा देंगे। एक मिनट जरा सा ध्यान समझिए, अब इनको आप क्या करते हैं, इनको हल करते हैं, तो हल करने पर आपका आएगा, पूरा हल करेंगे भैया तो हल करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएंगे 5.7×10⁻³, इनको हल करने पर 5.7×10⁻³ न्यूटन आएंगे, ये इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। आप लोग इनको हल कर लीजिएगा, अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। ये है इस प्रकार आपका 13वां नंबर सवाल समाप्त होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ, ठीक, तो नोट कर लीजिएगा इसे। चौदह नंबर में क्या कह रहा है, चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र के 3 आवेशित कणों का पथ दर्शाया गया। तो आप लोगों के सामने हम लोग चित्र बनाते हैं, एक क्या है भैया, ये कोई धनात्मक प्लेट है, क्या है, कोई धनात्मक प्लेट है, ठीक, और ये क्या है, कोई ऋणात्मक प्लेट है, ये कोई क्या है, ऋणात्मक प्लेट है, ये कोई क्या है, ऋणात्मक प्लेट है, ठीक। तो उसके बाद आप लोग क्या है, एक आवेशित कण का पथ इस प्रकार दर्शाया गया है, एक इधर की तरफ दिखाया गया है, एक है, ठीक, और एक कोई दूसरा दिखाया गया है, ये कोई दूसरा है, दूसरे के लिए आवेशित कण पथ है, और ये कोई तीसरा है, ठीक। अब क्या पूछ रहे हैं, इसमें इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, फिर आपसे पूछा है कि बताइए तीनों आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तीनों आवेश की क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि इन क्या दिखाया गया है, धन प्लेट और ऋण प्लेट यानी वैद्युत क्षेत्र के बीच 3 आवेशित कणों का पथ दिखाया गया है, आपको बताना है ये तीनों आवेशित कण धनात्मक हैं कि ऋणात्मक हैं।
तो ध्यान से समझिएगा, जो आपके ऋण आवेश होते हैं वो धन प्लेट की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो धन आवेश होते हैं वो किधर की तरफ आकर्षित होते हैं, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए ये जो पहला और दूसरा आवेशित कण है, जो पहला और दूसरा आवेशित कण है वो दोनों धन प्लेट की तरफ आकर्षित हुए हैं, अर्थात इनकी प्रकृति जो है ऋणात्मक है, तभी तो ये धन प्लेट की तरफ गए हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि आवेशित कण एक व दो, आवेशित कण एक व दो धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हुए हैं, धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो गए, आकर्षित हुए हैं, अतः इनकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। क्या होगी भैया, ऋणात्मक होगी। तथा आवेशित कण तीन का पथ क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऋण प्लेट की तरफ मुड़ गए हैं, तो धनात्मक होगा। इस प्रकार आपका 14 नंबर प्रश्न खत्म होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं भैया, 15वें नंबर का सवाल है। 15वां नंबर क्या कह रहा है, इसे हम लोग मिटाते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक 15 क्या कह रहे हैं आपके सामने, 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई 3×10^3 I न्यूटन प्रति कूलम है। तो ध्यान से समझिएगा, ये 15 नंबर क्या कह रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जो कि 3×10^3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम है। तो I वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा को व्यक्त कर रहा है वहाँ पर। फिर कह रहा है इसमें दो प्रश्न पूछे हैं, एक पूछा है वाई जेड समतल के समांतर रखे भुजा के वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जरा सा समझिएगा, इसमें दो प्रश्न पूछा है। पहला पूछा है वाई जेड तल के समांतर रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, यदि वर्ग यक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता हो, 60 अंश का कोण बनाता हो, क्या बनाता हो, यदि वर्ग यक्स अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो, क्या बनाता हो, 60 अंश का कोण बनाता हो, तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ध्यान से समझते हैं क्या होता है कि वाई जेड तल के समांतर एक भुजा का वर्ग रखा गया है, और वो आपके लिए क्या कह रहे हैं कि जो भुजा का वो जो वर्ग का भुजा है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। क्या है, वर्ग का जो है ये यहाँ रखना चाहिए, समांतर रखे 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ना। तो ध्यान से समझिएगा, अब आपको जरा सा एक डायग्राम बनाते हैं। एक ये मान लेते हैं वाई तल हो जाएगा, ये कोई तल मान लेते हैं एक्स, ये कोई तल मान लेते हैं जेड, ये वाई ए एक्स। अब देखिए क्या कर रहा है, वाई जेड तल के समांतर, यानी जो वर्ग की भुजाएं हैं वो वाई के समांतर और जेड के क्या होनी चाहिए, समांतर। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होता है, तो ये वाई जेड तल के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब पूछ रहा है कि आप इससे होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो ई का मान आपको दिया है, क्या दिया है, 3×10^3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल लिखते हैं कि पहले सवाल का जवाब क्या होगा, वाई जेड तल के समांतर रखे हुए। तो ए कितना है भैया, भुजा है, तो भुजा कितना है भैया, भुजा इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है,
10 सेंटीमीटर तो मीटर में बदल देंगे तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर, 10 दो में से एक घटा दोगे तो 10 घाते माइनस 1 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। भुजा का वर्ग, भुजा कितना है 10 घाते माइनस 1 का वर्ग करोगे तो 10 घाते माइनस 2 आ जाएंगे, ये आ गए मीटर स्क्वायर। तो आइए अब पहला सवाल, पहला सवाल क्या है, भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई बराबर आप जानते होंगे ई इंटू ए होता है। ई का मान कितना है, ई का मान है 3 गुणे 10 घाते 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, और उनका मान लेते हैं ए, ए कितना है 10 घाते माइनस 2 आई कैप मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 10 घाते 3 आई, आई क्रॉस हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, आई क्रॉस इंटू आई का मान 1 हो जाएगा इंटू 10 घाते माइनस 2, 3 में से 2 घटा दिए तो 3 गुणे 10 घाते 1 आ गए, 3 दहमा कितना 30, 30 क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर क्या प्रति कूलम, ये फाई ई का मान आ गया। तब के लिए जब क्या था भैया वाई जेड तल के समांतर था। इसी में दूसरा पोर्शन पूछा है यदि क्या हो जो विद्युत बल रेखा, यदि वर्ग जो है यक्ष अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाए, यदि वर्ग यक्ष अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाए भैया 60 अंश का कोण बनाए तब क्या होगा, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर जब कोण पर अंतरित होता है तब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई का मान ई ए आप निकाले हो पूरा, ई ए कितना है भैया 30 है, यहाँ से देखिए ई इंटू ए बराबर कितना है 30 है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा का मान तो कॉस 60 अंश हो गए तो 30 गुणे कॉस 60 अंश का मान आप लोगों को पता होगा कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कितना होता है 2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1 बटे 2 कटा दिए 15 दूनी 30 तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तब के लिए जब कितना था भैया 60 अंश के कोण पर अंतरित हो रहा था। तो इस प्रकार आपके 15 नंबर भी समाप्त हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग 16वें नंबर पर। 16वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रश्न 15 के संगत, यानी प्रश्न 15 के समान एक वैद्युत क्षेत्र में नेट फ्लक्स ज्ञात करो, एक वैद्युत क्षेत्र में नेट फ्लक्स ज्ञात करो 20 सेंटीमीटर भुजा के घन के निर्देशांक अक्षों के समांतर रखा गया है तो संगत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक भैया, तो क्या कह रहे हैं चलिए इनको हम लोग मिटाते हैं। जिस प्रकार आपका 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर एक पूरी थ्योरिकल प्रश्न है उनको आप समझ लीजिएगा। 16 नंबर क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई घन है, क्या है भैया कोई घन है तो हम बनाते हैं जो निर्देशांक तल है, निर्देशांक तल कौन है, ये x है, ये कौन है y है, तो वो बोल रहे हैं भैया आपका प्रश्न कह रहा है कि कोई ऐसा घन है जो निर्देशांक तलों के क्या है पैरेलल है, निर्देशांक तलों के क्या है पैरेलल है, निर्देशांक तलों के क्या है पैरेलल है, ये कोई घन हो गए, ये निर्देशांक तलों के क्या है भैया पैरेलल है। अब कह रहा है इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, घन की भुजाएं कितनी हैं 20 सेंटीमीटर हैं, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो आगे क्या कह रहे हैं कि बताइए इस घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिए जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं इधर से प्रवेश करेंगी उतनी विद्युत बल रेखाएं घन से क्या होती हैं बाहर की तरफ क्या हो जाती हैं निकल जाती हैं, इसलिए घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या घन के पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे, घन से प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर घन से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या होती है, या जितनी घन से प्रवेश करती है उतनी घन से विद्युत बल रेखाएँ बाहर हो जाती हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इस प्रकार आप 15 नंबर भी समझ लीजिएगा, सॉरी 15 नहीं 16 हो गए, ये कौन से थे भैया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब क्या कहते हैं एक बार और 16 नंबर बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्या लिखेंगे कि आपसे पूछा था
कि वैद्युत फ्लक्समान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जो घन होता है, वो जो घन होते हैं, घन क्या होते हैं भैया, घन से जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। तो जब विद्युत बल रेखाएं जितना प्रवेश कर रही जितना बाहर निकल रही, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर पर। क्या भैया, 17 नंबर पर, काले बाक्स से होकर गुजरने वाले बाह्य फ्लक्स का शुद्ध मापन। काले बॉक्स से, भैया ध्यान से समझिएगा, 17वां नंबर, काले बॉक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। क्या करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो इसमें सबसे पहला पूछा है बॉक्स में नेट आवेश, पहला प्रश्न बॉक्स में नेट आवेश, बॉक्स में नेट आवेश पूछा है, यानी Q का मान पूछा है, नेट आवेश Q बराबर प्रश्न मान। और इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है भैया, यदि पृष्ठ के होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चलिए दूसरा भी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बाद में बताते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, बॉक्स के अंदर नेट आवेश, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्यों, क्योंकि इस बार हमको वैद्युत जो आवेश ज्ञात करना है वो कह रहा है कोई किसी पृष्ठ के अंदर है, तो किसी पृष्ठ के लिए जो है गॉस का नियम है, क्या है, गॉस के नियम से गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आपको क्यू ज्ञात करना है, क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फाई ई का मान कितना है, फाई ई का मान है 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है 8.85×10^-12। ठीक भैया, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8×8.85 इधर 10³ और वो आ गए 10^-12, 12 में से 3 घटा दीजिए, 8, चलिए गुणा करते हैं पहले, 8×5=40, 8×8=64 और 64×4=68, 8×8=64, 64×6=70, 2 अंक के बाद 0, तो सॉरी 12 में से 3 घटा दिए, 10^-9 हो गए। एक पॉइंट इधर और ला दीजिए, तो 7.08×10^-8 कितना हो जाएगा, 8, ये क्यू का मान आ गया कूलम। ये आपसे पहला प्रश्न पूछा था, आप आंसर मिला सकते हो भैया, आंसर आपके कितने आए हैं, क्यू बराबर आया है 8.854×10 आप लोगों का आंसर आया भैया। इसको आप लोग चाहो तो माइक्रो कूलम भी में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इनको, अगर ये पॉइंट इधर लाया जाए, एक अंक नहीं दो अंक, तो 0.07×, ये दो अंक आ गए, ये पॉइंट इधर एक अंक इधर लाए, तो 0.07×, ये दो ठुकम बढ़ जाएंगे 10^-6, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.07 माइक्रो कूलम, ये भी आपके आंसर हो सकते हैं और या ये भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, यदि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यदि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो आवेश Q बराबर क्या होगा, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएंगे, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू बराबर क्या हो गया, जीरो। यानी यदि वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा तो आवेश का भी मान शून्य हो जाएगा, अर्थात आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं रहेगा, तभी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर क्या है भैया, 18, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के, क्या है प्रश्न नंबर 18 है, क्या कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 10 माइक्रो कूलम का आवेश चित्रानुसार दर्शाया गया है। तो चित्रानुसार तो आपके
NCERT बुक में एक चित्र बनाया गया, उसको आप लोग चित्र देख लीजिएगा। ऐसा कोई चित्र बनाया गया है, ये वर्ग का कोई केंद्र हो गया, जिससे कि क्या कर रहे हैं, वर्ग के केंद्र से क्या 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर मान लेते हैं ये कोई 5 सेंटीमीटर ऊपर रहा होगा, जो कि क्या है, यहाँ पर एक आवेश रखा गया है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। आगे कर रहे हैं वर्ग की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजाएं क्या हैं भैया, 10 सेंटीमीटर हैं। आगे कह रहा क्या करें भैया, सवाल को जरा सा पूर्ण करते हैं। तो वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या पूछा है, वर्ग के केंद्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ हम लोग भले वर्ग दिया गया है, वर्ग न होते हुए ये वर्ग की जो एक फलक होती, जो वर्ग होता है पूरा, जो ये एक वर्ग होता है वो घन की एक फलक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, घन की एक फलक के बराबर होता है। जब ऐसे प्रकार के वर्ग रखे जाते हैं तो ये घन की एक फलक के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ वर्ग की जो ये वर्ग दिया गया इसको एक घन की फलक मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया क्या पूछा है, वैद्युत फ्लक्स का मान, तो घन की एक फलक से, घन की एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझिएगा, क्यू कितना है भैया, क्यू का मान है 10 माइक्रोकूलम, फाई ई बराबर, तो 10 माइक्रोकूलम को हम लोग, और एप्सिलॉन नॉट तो 8.85 × 10^-12, तो माइक्रोकूलम को चेंज कर देंगे 10 × 10^-6, ये 8.85 × 10^-12, 12 से 6 कट जाएंगे तो 10 बटे कितना 8.85, यहाँ 6 बचे थे ऊपर लेके चले गए भैया, 10^ कितने हो गए, 6 हो गए। ध्यान से समझिएगा, अब क्या होता है, ये पॉइंट काटोगे तो 1, 2, 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे, तो 1000 बटे कितना आ जाएगा, 885 × 10^6, तो भाग दोगे तो लगभग 1 दशमलव कुछ आएंगे, तो भाग देने पे आए हैं भैया एक, ये देखिएगा घन के एक फलक से बात हुई थी ना, घन के प्रत्येक, घन के, या ऐसे लिख दीजिएगा, घन के एक फलक ना होके घन के फलक से, या जब एक कहोगे तो एक के लिए, तो घन में 6 फलक होते हैं ना, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 6, तो जरा सा 1/6, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 1/6 का मल्टीप्लाई, तो 1/6 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, अब इनको हल करोगे, इनको भाग देने पर इनसे इनसे मल्टीप्लाई करके, तो 1.88 आएगा, और पावर कितने आ जाएंगे, 1.88 × 10^5 × 10^5 न्यूटन मीटर इसका प्रतिकूलाम आएंगे, ये वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। एक बात आपको यहाँ ज़रूर समझना होगा कि क्यों वर्ग की जो ये वर्ग दिया गया था, वर्ग को हम लोगों ने क्या मान लिया, वर्ग को एक घन का फलक इसलिए मान लिया गया क्योंकि ये जो पूरा वर्ग है, ये पूरा वर्ग घन की किसी एक फलक के क्या है, बराबर है, क्योंकि जो घन में 6 फलक होते हैं वो किसी एक, एक घन का हर एक फलक क्या होता है, एक वर्ग होता है, इसीलिए हम लोगों ने इन्हें क्या मान लिया, घन का एक फलक मान लिए। तो इस प्रकार आपका ये सवाल भी कम्प्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। उन्नीस नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया, कि घन के केंद्र से, घन के केंद्र पर 1-2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। तो 19 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले क्या कह रहा है, घन का, घन के केंद्र पर, तो भैया एक घन बना लो, ये कुछ इस प्रकार आप क्या करोगे, घन बना लिए, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर कोई एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, सॉरी 10 नहीं है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, कोई क्यू आवेश है जो कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया। पूछ रहा है गौसियन पृष्ठ कितनी है, गौसियन पृष्ठ की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, क्यू बराबर 2 माइक्रोकूलम,
इनको आप चेंज कर दोगे, दो गुड़े दस घाते माइनस छः कुलाम, माइक्रो कुलाम को कुलाम में। फिर उसके बाद करा गौसियन पृष्ठ की भुजा, गौसियन पृष्ठ की भुजा, तो पृष्ठ की भुजा कितनी है भैया, पृष्ठ की भुजा आपके सामने दिया गया है 9 सेंटीमीटर है, कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर में, तो 9 गुणे दस घाती माइनस 2 मीटर। आगे कह रहे हैं तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स पूछा गया, क्या पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या जानते हो, गॉस का नियम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फाई ई, क्यू का मान कितना है 2 गुणे दस घाते माइनस 6 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणे दस घाते माइनस 12, 12 से ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/8.85 गुणे, यहाँ 10 घाते माइनस 6 बचा था, ऊपर गए तो क्या हो गए 10 घाते प्लस 6, ये पॉइंट काटे, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए, कितने आ गए 200/ कितना 885 गुणे 10 घाते 6। इनको हल करोगे तो हल करने पर आपको क्या आंसर मिल जाएंगे, 2.26 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो गए आपके 19 नंबर सवाल। ठीक इस प्रकार ऐसे सवाल 19 नंबर हो गए जो आपके ये हो गए। अब इसी क्रम में आपका 20वां नंबर सवाल आता है, 20वां नंबर क्या कर रहा है भैया कि इसको हम लोग मूव कर देते हैं, विसावा नंबर 20 नंबर करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से समझिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, क्या दी गई है, ये आपका 20 नंबर सवाल है, प्रश्न नंबर 20 कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, बदल देंगे तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर, 2 में से 1 घटा दोगे तो 10 घाते माइनस 1 मीटर इनकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। आगे क्या कर रहा है कि बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है वो 1 गुणे 10 घाते 3 है, वैद्युत फ्लक्स कितना है फाई ई बराबर 1 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या है कूलाम है। आगे कह रहा है यदि गौसियन पृष्ठ की क्या कर दी जाए, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। पहला प्रश्न, यदि त्रिज्या क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कर दी जाए तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं गौस का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जो ये वैद्युत फ्लक्स है वो किसके अनुपाती होता है क्यू के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है 1/ε₀ के। तो ध्यान से समझिएगा, क्या आप इस फार्मूले में कहीं जो वैद्युत फ्लक्स है वो कहीं त्रिज्या पे निर्भर कर रही है, क्या इन दोनों में आप देखिए कहीं त्रिज्या आई है नहीं आई है। अतः गॉस के नियम से ये स्पष्ट होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती, अतः वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्यू और एप्सिलॉन नॉट पे निर्भर करती है। तो लिख देंगे क्या लिख देंगे, चूंकि फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती, त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती है, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हो गए आपके 20 नंबर का पहला सवाल। दूसरा आपसे क्या कर रहा है, दूसरा आपसे इसी में पूछा है यदि क्या कर दिया जाए, यदि सब कुछ करने के बाद आपसे दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है बिंदु आवेश का मान, किसका मान, बिंदु आवेश Q का मान, बिंदु आवेश Q का मान आपको ज्ञात करना है, तो गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, Q बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है गुणे 10 घाते 3, और
एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10^-12। ठीक भैया, एक का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8.85, 12 में से 3 घटा दिए भैया, 10^-9 कूलाम ये आ गया क्यू का मान। इस प्रकार आपका 20 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। चलिए इसी क्रम में आपका 21 नंबर सवाल क्या कहता है उसको भी जरा सा देख लिया जाता है। ठीक, इसको रिमूव कर देते हैं। आप लोग फिजिक्स में जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि फिजिक्स के जितने आपके 60-70% पेपर जो होता है, 60% पेपर जो होता है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन पे डिपेंड करता है। और इस बार जो आने वाला रविवार है उस रविवार को हम लोग अनसॉल्व करने का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में इस बात को शेयर कीजिएगा कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे पिछले दो सालों के हुए अनसॉल्वों को सॉल्व कराया जाएगा, और जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है आपके बोर्ड पेपर में फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस क्रम का 21 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, क्या है भैया 21 नंबर सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कोई चालकी गोले पर एक आवेश है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर दोगे तो 10 × 10^-2 मीटर, 2 में से 1 घटा दिए तो 10^-1 मीटर इनकी त्रिज्या आ गई। बात समझ में आई? आगे क्या कर रहे हैं, चालकी गोले पर एक अज्ञात आवेश है, यदि गोले के केंद्र से, चलो भाई साहब आप एक गोला बना लो, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसी में त्रिज्या भी जुड़ गई, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु P था, ये कोई O था, O से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है 1.5 × 10^3, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 × 10^3 न्यूटन प्रति क्या है कूलाम है, वो भी अंदर की ओर इंगित है, यानी प्लस इधर कोई आवेश है जो कि भैया इससे विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ आ रही हैं। तो ध्यान से समझिएगा, E बराबर इतने हो गए, आपसे इसमें प्रश्न पूछा है तो गोले पर नेट आवेश ज्ञात कीजिए, तो गोले पर नेट आवेश, तो गोले पर नेट आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो E बराबर क्या हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 πε₀ Q/r² E का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1.5 × 10^3 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम, बराबर इनका मान कितना होता है 9 × 10^9, Q आपको ज्ञात करना है, R यहाँ R ये मत रखिएगा त्रिज्या है, ये गोले की क्या है भैया त्रिज्या है 10^-1 मीटर, आपको बीच की दूरी रखनी है, बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 को भी हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में तो 10^-2। तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग या 10^-2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ध्यान से समझिएगा, अब ये पॉइंट काटे क्या लग गए 10 लग गए, तो 15/10 × 10^3 बराबर इधर 9 आ गए, फिर उसके बाद क्या आ गया 10^9 × Q, 20 का गुणा दो बार कर देते हैं 20 × 20, यहाँ 2 × 2 = 4, 10^-4 आ गए। ध्यान से समझिए, 5 × 15 = 10 हो गए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो गए। ठीक, इधर से कैंसिल हो गए, 10^3 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10^6 बचे हैं, यहाँ 2 बचा है, 2 × 1 = 2, 2 × 20, तो इधर वाले पोर्शन में कुछ नहीं बचे हैं, 1 बचा है, और इधर क्या बचा है 3 क्यू बचा है, इधर बचा 20 × 200 क्या बचे हैं 200, और 7 में यहाँ से 3 कटा है 10^6 बच गए हैं, और ये 10^4 ऊपर चले गए तो 10^+4 हो गए, 2 0 2 0 इनको काट देंगे तो 2 घात यहाँ कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा भैया आपके सामने, कितना बच जाएगा 1/1 = 3 क्यू, अब यहाँ 6 और यहाँ 2 कट गए हैं, कितने हो गए 10^8, और बटे कितना 2,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3q × 10^8 बराबर 2 आ गए। ठीक, अब आप इनको इधर कर दीजिएगा तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 × 10^8। तो इनको भाग देंगे तो भाग देने पर लगभग आपके आंसर कितने आ जाएंगे, आपको भाग देने पर 6.67 जीरो दशमलव कितना आएगा भैया, 0.6667 आएगा गुणे 10^8 कितना आ जाएगा, बटे, या तो आप देखिए इनको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएंगे, 10^-8 और ये पॉइंट एक अंक उधर लेके चले जाइए तो 6.67 गुणे एक अंक उधर लेकर तो इस पर एक माइनस क्या हो गया, घट गया, सॉरी एक माइनस क्या हो गया, बढ़ गया, 10^-9 हो गए, ये क्या हो गया, क्योंकि मान आ गया। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 21। इसी क्रम में आपका 22वां सवाल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि एक समान क्या है, एक समान आवेशित चालकी गोले का व्यास 2.4 मीटर है। तो आप एक गोला मान लीजिएगा जिस पे एक समान क्या है, चाल आवेश फैले हुए हैं, इनका जो व्यास है यानी व्यास गोले को दो भागों में बांटने वाली लाइन व्यास कहलाती है। व्यास क्या है इनकी, व्यास आपको दिया गया है, व्यास दिया है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। अगर त्रिज्या निकालनी हुई तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2। ठीक, व्यास कितना है, 2.4/2 भाग दे दोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2 मीटर। ये आ गई इनकी त्रिज्या, क्या आ गई भैया, त्रिज्या आ गई। अब आगे क्या करें, अभी तो हम लोगों ने सवाल पढ़ते हैं, तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पृष्ठीय घनत्व को हम लोग किससे व्यक्त करते थे, सिग्मा से। तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर कितना है, 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको हम चेंज कर देंगे, 80 माइक्रोकूलम को कूलम में, तो 10^-6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक भैया, तो ये हमने माइक्रो को कूलम में केवल चेंज किया, तो ये पृष्ठ घनत्व है। आगे कह रहा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, पहला प्रश्न इसमें पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है गोले पर आवेश, गोले पर आवेश क्या हो जाएगा वो ज्ञात करना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। तो आइए गोले पर आवेश का मान, तो गोले पर आवेश का मान कैसे निकालेंगे, आपको पृष्ठीय घनत्व दिया गया है तो आप जानते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपने पढ़ा था q/a, यानी एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा का मान आपको दिया गया है 80×10^-6 कूलम प्रति मीटर, क्यू का मान नहीं पता, ए भी नहीं पता है, पर त्रिज्या पता है, ए क्या है गोले का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 80×10^-6 क्यू पता नहीं, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है भैया, 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गए 80×10^-6 बराबर क्या आ गए, क्यू 3.14, 1.2 का गुणा कर दोगे तो 1 कितने आ जाएंगे, 4, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 1.44 कितना आ जाएगा, 1.44 लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्यू बराबर 80×3.14×1.44×10^-6। तो भैया आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और इनको हल करोगे, तो हल करने के बाद आपको मिलेंगे 1.4×10^-3 कूलम, क्यू का मान मिलेगा 1.4×10^-3 कूलम इसको हल करने पर। ठीक, ये आपका पहला पोर्शन था। दूसरा क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स, दूसरा क्या पूछा है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या पढ़ा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट
क्यू का मान कितना आया है, 1.4 × 10^-3, यब साइलेंट नॉट का मान 8.85 × 10^-12, 12 से पावर 3 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर 1.4 × 8.85। ये कितना बचा है अभी, 10^-12 में से 3 कट गए हैं, -9 बचा है, ऊपर लेके जाते हैं 1.4 × 8.85, ये ऊपर गए 10^-9 हो गए, प्लस हो गए, ये पॉइंट काटे 10 लगा दिए, ये पॉइंट काटे, तो देखो भैया यहाँ ध्यान समझिए, गुड़े क्या लग गए 10, इस पॉइंट को काटे 10, इस पॉइंट को काटे तो ऊपर 2 0 लगा दिए, ऊपर आ गए 1400, यहाँ आ गए 885, गुड़े कितना आ गए भैया 1.10, इसको कम कर देंगे 10^8। अब इनको हल करोगे तो हल करने पर आपको आंसर कितने मिलेंगे, 1.6 × 10^8, 1.6 × 10^8 न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम, ये फाई ई का मान आ जाएगा। इस प्रकार 22 नंबर भी सवाल आपके समाप्त हो जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक। 23 नंबर क्या कह रहे हैं, चलते हैं 23 नंबर क्रम की तरफ, जो कि सवाल अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। क्या कर रहा है, एक अनंत रेखीय आवेश से एक, चलिए इसको पहले मूव कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, एक अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये कोई मान लेते हैं कि क्या है, अनंत रेखीय तार है, इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो कितनी है भैया, 9 × 10^4 है, न्यूटन प्रति क्या है, कूलाम है, न्यूटन प्रति क्या है, कूलाम है। आगे कह रहा है तो रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए भैया, तो रेखी आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या बोले हैं, एक अनंत रेखी आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, रेखी आवेश घनत्व ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो होता है वो ज्ञात करना है, ठीक। तो रेखी आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई तार है, पहली बात तो रेखी आवेश घनत्व क्या होता है, हम लोगों ने थ्योरी क्लास में बताए हैं रेखी आवेश घनत्व क्या होता है। आपने एक पढ़ा होगा गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग, तो उसमें आपने पढ़ा होगा किसी तार के कारण r मीटर की दूरी पर जो बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, लिखेंगे अनंत रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़े थे, E बराबर 1/4π0·2λr, इसका मान कितना होता है, 9 × 10^9, ये हो गए 2λr, r कितना है भैया 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये क्या है, r है बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको आप लोग कन्वर्ट कर दोगे मीटर में तो 2 × 10^-2 मीटर, यहाँ 2 × 10^-2 मीटर, ठीक। ई का मान है 9 × 10^4, 9 से 9 क्या हो गए कैंसिल हो गए, 10^4 ये काट देंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 बराबर, यहाँ बचा है 10^5 × 2λ, और ये 2 से 2 भी काट दीजिए तो केवल लैम्डा बच जाएंगे और 10^-2 ये आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका गुणा कर देंगे तो λ × 10^5 और इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10^-2, ये इधर आएंगे तो ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 10^-2, ये इधर आए तो 10^5 हो गए, अब ये ऊपर जाएंगे तो लैम्डा बराबर 10^-2, ये प्लस है ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 10^-5, और पावर जोड़ दिए लैम्डा बराबर 10^-7, और क्यू बटे एल होता है तो कूलाम क्या हो जाएगा भैया, कूलाम प्रति मीटर आ जाएंगे, कूलाम प्रति मीटर। इस प्रकार आपका 23 नंबर भी सवाल समाप्त हो जाता है।
ठीक, अब आते हैं इस एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, एनसीईआरटी में जो दिया गया था लास्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या करें हैं, क्या करें भैया, दो पतली क्या है धातु है, दो पतली धातु की प्लेटें हैं, एक मस्त सवाल है और बोर्ड के जरिए से ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्न पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्या कह रहे हैं कि दो धात्विक प्लेटें हैं, तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई दो ठो धात्विक क्या हो गई, प्लेटें हो गए, एक ये हो गए, ये कोई दो धात्विक प्लेटें हो गए, प्लेटें ए हो गई, प्लेटें क्या हो गई, बी हो गई, 24 नंबर सवाल। ठीक, आगे कह रहे हैं कि दो धात्विक प्लेटें हैं, समांतर हैं, समीप स्थित हैं, आंतरिक पृष्ठों के विपरीत आवेश घनत्व अर्थात धन तथा दूसरा ऋण है, तो इनके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा, इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है भैया, सिग्मा है, और इनके भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पर इनके परिमाण बराबर हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हैं, पर क्या है भैया, विपरीत हैं। आवेश घनत्व आपको दिया गया है 1 17 × 10^-22, 17 × 10^-22, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर 17 × 10^-22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि ई का मान ज्ञात कीजिए प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर, यानी ये आपका प्रथम प्लेट होता है, ये मान लीजिए सेकंड प्लेट, तो प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर, तो प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र ये मान लिए, तो प्रथम प्लेट का बाह्य क्षेत्र पी हो गया, और दोनों प्लेटों का मध्य बिंदु क्या हो गया, क्यू हो गए, और द्वितीय प्लेटों का बाह्य क्षेत्र क्या हो गया, आर हो गया। ठीक भैया, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछे हैं प्रथम प्लेटों के बाह्य क्षेत्र पर, प्रथम प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान, तो ई मान लीजिएगा, मान ई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर तो ये आपके क्या है भैया, प्लस है, ये क्या आया, तो आप लोगों ने प्लेटों के ऐसा डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है भैया, सिग्मा बटे कितना होता है, 2 ε0 बताया गया था, क्या बताया गया था, या तो सॉरी ध्यान से आइए हम लोग एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, डेरिवेशन थोड़ा सा याद करा दिया जाता है कि ये बिंदु P थे, तो मानते हैं ये आपका क्या है, धनात्मक है, ये क्या है भैया, धनात्मक है, इस पे धनात्मक आवेश है, और इस पे क्या है भैया आपके ऋणात्मक चार्ज हैं, क्या है, इस पे ऋणात्मक चार्ज हैं। अब देखिएगा, तो इस पे एक परीक्षण आवेश रखेंगे, तो ये इनको क्या करेंगे, इधर की तरफ बल लगाएंगे, और जो माइनस वाला होगा वो इनके इधर की तरफ बल लगाएगा, तो इसके कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ईए हो जाएगी, इसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ईबी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए इनके परिणामी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और यही चीज़ आर वाले के साथ भी होगा, प्लस वाला इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा ईए हो जाएगा, और माइनस वाला इनको इधर की तरफ बल लगाएगा तो ये ईबी हो जाएंगे। तो प्रथम प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ईए माइनस कितना हो जाएगा, ईबी, तो ईए का मान कितना है, तो ध्यान से समझिएगा, अब ईए का मान आप जानते हैं सिग्मा बटे कितना होता है, 2 ε0, यहाँ भी सिग्मा बटे 2 ε0, तो माइनस कर दोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी में दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो भैया द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उस बात को ध्यान से समझिएगा, तो द्वितीय प्लेट क्या है भैया आपका, ये है क्या है, द्वितीय प्लेट आपका क्या है, ये है, तो जरा सा समझिएगा, द्वितीय प्लेट क्या है, इस पर परीक्षण आवेश रखोगे तो परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस प्लस क्यू आवेश को ये क्या करेगा, अपनी ओर क्या करने का प्रयास करेंगे, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, इस पे आपने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिए, तो ये जो आपका ऋणात्मक प्लेट है वो इसको क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, तो और जो ये प्लस वाला है वो भी इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में जो द्वितीय प्लेट है आपका, उसके बाह्य क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया,
द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर EA माइनस क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा। इसका भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी किसी भी प्लेट के बाहर के जो बिंदु लोगे वहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसका तीसरा प्रश्न, प्लेटों के मध्य, कहाँ भैया? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? E बराबर, यहाँ परिणामी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। EA प्लस EB कैसे? देखिएगा, ये प्लस वाले इनको क्या करेंगे? इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस वाला भी इनको इधर की तरफ खींचेंगे, तो इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी? एक ही दिशा में हो जाएगा। देखिए, प्लस इसको परिछड़ा क्यों जीरो रखे, ये प्लस वाला प्लेट इनको इधर की तरफ धक्का देगा और माइनस वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों जब एक ही दिशा में हो गए तो परिणामी क्या हो जाएगी? इनकी जुड़ जाएगी। तो आइए हम लोग रखते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा? EA का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, EB का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा, 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान कितना है? 17 गुणे 10 घाते माइनस 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, ये कट गए 2, तो यहाँ 10 बचे, तो भैया आ गए यहाँ 17/8.85। अब 10 घाते माइनस 10 बचा था, ऊपर लेके चले गए तो 10 घाते क्या आ गए? प्लस 10। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? आप इनको डिवाइड वाइड कर लोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो कितना मिल जाएगा? 1.92 गुणे 10 घाते 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गए आपके 24 नंबर के अंतिम सवाल के हल। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और इस रविवार को आप लोगों के बीच में हम अनिकेत पाठक जो है आपके यूपी बोर्ड के जो अनसॉल्व हैं उनको हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग रविवार को जो है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे शाम को 4 बजे से आपकी क्लासेस आएंगी, तो आप लोग बनिएगा, जुड़िएगा साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।